आप लोगों को याद है कि जब 4G आया था इंडिया में, तब सभी लोगों को लगा था कि मोबाइल इंटरनेट का रेवोल्यूशन हो गया है। पर अगर अब हम देखने जाएंगे तो समझ में आता है कि जब भी हम 4G के बारे में सुनकर खुश हो रहे थे, तभी बाकी की दुनिया 5G के बारे में सोच रही थी। टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस कभी नहीं रुकते, वो हमेशा ही अपग्रेड होते रहते हैं। और अगर अभी हम 5G के बारे में खुश हो रहे हैं, तो ये भी याद रखिए कि 6G आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसा 5G में आखिर है क्या। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। इंक्रीज्ड बैंडविड्थ। कुछ दशक पहले की बात है, हमारे वेब ब्राउजर्स बहुत टाइम तक लोड होते थे और अगर कुछ भी डाउनलोड, अपलोड, ब्राउज या फिर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी करना होता था तो घंटों बैठे रहते थे, बट फिर भी लोड होने में बहुत टाइम लग जाता था। अब जैसे ही 5G आ रहा है, हम लोग का डाउनलोड और अपलोड रेट 20 GB/s से 10 GB/s हो जाएगा, यानी कि आधा, और ज्यादातर लोग इसकी वजह से एक्सटेंसिव बैंडविड्थ भी यूज करेंगे। अ वर्ल्ड ऑफ कनेक्टेड डिवाइस। जैसे हर एक न्यू स्मार्टफोन का मॉडल या अपग्रेडेड वर्जन एक ट्रेंड बन जाता है, वैसे ही 5G आने के बाद IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हर एक डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा, सुपर फास्ट स्पीड और लेस बफरिंग के साथ। इंडिया में रियल टाइम कनेक्शन की वजह से इंडिया पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। एंटरटेनमेंट रीचेस न्यू प्लेन्स। लेटेंसी, जिसे बफरिंग भी कह सकते हैं, तो अगर 5G हमें सुपर फास्ट डाउनलोड और अपलोड टाइम देने वाला है, तो लेटेंसी जैसा कुछ होगा ही नहीं। और अब हम हमारे फेवरेट गेम्स, VR, इंटरनेशनल प्ले स्टेशन से फास्ट कनेक्ट कर पाएंगे, और वो भी गुड क्वालिटी टाइम में। एनर्जी एफिशिएंट कंजम्पशन। 5G हमें ये भी भरोसा दिला रहा है कि वो कम बैटरी चार्ज यूज करेगा और जल्दी चार्जिंग में भी हेल्प करेगा, जिससे आप अपना मनी और एनर्जी सेव भी कर सकते हैं। न्यू इनोवेशंस अक्रॉस इंडस्ट्री वर्टिकल। 5G देखने जाएंगे तो बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है, तो अगर हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसके पोटेंशियल्स क्या है और ये आगे क्या क्या कर सकते हैं, तो 5G सिर्फ एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस सेक्टर के लिए सीमित नहीं है। 5G इंडस्ट्रीज और मिलिट्री फैसिलिटीज में भी शायद बहुत यूजफुल हो सकता है। हर एक नए मोबाइल नेटवर्क जनरेशन की वजह से हमें भी नहीं पता कि क्या क्या होगा आने वाले कुछ सालों में। 5G तो 2020 में रोल आउट होने वाला है, तो हम अभी इसके फीचर्स और एडवांटेजेस इसके आने के बाद भी देखेंगे। बट फिलहाल 5G के बारे में बस आज के इस वीडियो में इतना ही है। और अगर आपके पास भी 5G से जुड़ी और भी कुछ जानकारी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।